Hey guys, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं समनाबाद गेमिंग की दूसरी वीडियो। पिछली वीडियो में जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारी बर्थडे थी और फ्लैंकिंग ने हमें दिया था लैम्बोर्गिनी ज़ेनिटॉन प्योर गोल्ड में। तो आज जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था मैं SUV लूँगा एक, तो फाइनली आज हमारी SUV की डिलीवरी होगी और सुबह भी हो गई है जैसा कि आप देख सकते हैं। और इधर अपनी वही लैम्बोर्गिनी प्योर गोल्ड वाली खड़ी है और SUV अपनी उसने लगता उधर उतार दिया। ये अपनी SUV खड़ी हुई है, फाइनल SUV काफ़ी अच्छी है। माउंट चिलियार तक जाएंगे इस पे, देखते हैं क्या तातू हिलाते हैं इस गाड़ी के, चले बैठते हैं इसके अंदर। गाड़ी तो अच्छी लग रही है बाहर से, सस्पेंशन इसके अच्छे हैं, टायर्स भी इसके अच्छे हैं। अब हम माउंट चिलियार का ज़रा मार्क लगा लें, पहले हम इधर हाईवे तक चलते हैं, हाईवे से आगे फिर माउंट चिलियार तक जाएंगे। ठीक है, इधर तक चलते हैं, निकला जाए। ठोकनी बिल्कुल भी नहीं है, नई मेरी नई है SUV है। मामा जी कंट्रोलिंग के मामले में तो A1 है, बाकी इसकी मॉडिफिकेशन कराएंगे। आर्मर अभी पता चलेंगे माउंट चिलियार पे, जब पहाड़ चट्टानों से गिरेगी तब पता चलेगा इसके आर्मर का। स्पीड के मामले में भी काफ़ी अच्छी है कंट्रोलिंग, यानी कि हॉर्न भी इसका अच्छा है। ठुकी मैं एक मिनट देख लूँ आगे कोई स्क्रैचेस तो नहीं पड़े। इसको तो ज़रा सा भी नहीं कुछ हुआ, उस गाड़ी की हालत ख़राब हो गई होगी बेचारे की। भाई SUV से कोई पंगा ना ले। कल आपने जैसे कल वाले ब्लॉक में देखा होगा तो काफ़ी अच्छी कंट्रोल हो रही है। आगे से टर्न लेते साथ ही हाईवे पे हम चढ़ जाएंगे, आगे से फिर टर्न है। अब हाईवे पे हम चढ़ेंगे और इधर थोड़ी मैं कोशिश करूँगा बगाने की। पिछली में हाँ मैं कह रहा था लैम्बोर्गिनी के ऊपर एक SUV आ रही है, मैं टर्न लेने लगा। ठीक है, माउंट चिलियार नहीं, हम कहाँ गए थे, ट्रेवर के एयरपोर्ट। हाँ, ट्रेवर के एयरपोर्ट पे गए थे, उधर से वापस आ रहा घर जा रहा था। वो SUV मेरे ऊपर चढ़ गई, सेम ये SUV थी। ठीक है ना, उसको कुछ नहीं हुआ। मेरी गाड़ी की हालत आप जानते हैं, पिछला ब्लॉग देख लें आपको पता चल जाएगा क्या हुआ था गाड़ी के साथ। बाकी माउंट चिलियार जाना है आगे, मैं मार्क लगा लेता हूँ क्योंकि मैंने बस हाईवे का लगाया था। अगर मैं इधर से माउंट चिलियार का लगाता ना, फिर वो हमें फ्लैंकिंग के घर वाली साइड से जो ये रास्ता जाता है ना, इधर से निकाल देता। मैं हाईवे से जाना चाहता था, तो अब हम आगे माउंट चिलियार का लगा लेते हैं। इधर ये है माउंट चिलियार, कितना शो कर रहा है, 6 किलोमीटर शो कर रहा है हमें। अंदर से ना जरा ज़िगज़ैग रास्ता है, वो इतना लंबा नहीं पड़ता जितना ये पड़ता है, पर ये है कि ये सीधा सीधा है तो इजीली चलती है। उधर एक टर्न लो तो अगला टर्न तैयार होता है, इसलिए फिर मैं उधर से नहीं जाता। लैम्बोर्गिनी में हम ट्रैवल किए, फिर हम उधर से गए थे। मैंने कहा SUV है, हाईवे पे चलते हैं भगा के भी देख लेंगे। हाईएस्ट स्पीड है इसकी। बस ब्रेकें। बारिश होने के खचात हैं।
बाकी ऐसी हुए एक नंबर किया है। रोड के मामले में तो मैं इसको 10/10 देता हूँ, ठीक है। रोड में कंट्रोल काफ़ी अच्छी होती है। अब ये माउंट चिली यार्ड में कैसी कंट्रोल देती है ये मुझे नहीं पता। ये माउंट चिली यार्ड में जाएंगे फिर मैं बताऊँगा इसको कितने में से कितने देने हैं। काफ़ी अच्छी मैंने बकाई है इसको भी, हाईवे पर बका रहा हूँ। पर ये है कि जब ये 60 पे पहुँच जाती है ना, 160 पे इसको हल्का सा टर्न करो ये काफ़ी ज़्यादा टर्न हो जाती है। ये मैं मॉडिफाइड करवाऊँगा तो फिर इसका ये भी सिस्टम सही करवा लें। बाकी अगर आप 100 के नीचे नीचे आप कहीं भी ये देखें, मैं 100 पे हूँ, मैंने मोड़ी हल्की सी तो मुड़ गई है। ये कंट्रोलिंग होने चाहिए हाई स्पीड पर भी, पर ठीक है वो भी कंट्रोलिंग सही है, इतने बुरे नहीं है। हाई 160 पे भी कंट्रोल सही होती है, इतनी बुरी नहीं होती। यानी कि कंट्रोल आपने देखा है वन नोड, ये आपके सामने है, लाइव प्रूफ है। हाईवे पे बग ये है, फुल हैवी किस्म की। जरा सी क्रैश हुई है, मुझे तो कुछ नहीं होने वाला। बाप रे, ओह मर गई, ओ मर गई मर गई। हमारा आगे से स्क्रैच आया, आगे बॉनेट पे, साइड पे कुछ भी नहीं हुआ। चलो गलती मेरी थी, पर मैं मानूंगा नहीं मेरी गलती थी। उसको चाहिए था उधर कर लेता, पर वो उसका ट्रक था इसलिए मेरी गलती थी। कोई नहीं, सिर्फ आगे से क्रैश डर गए। वो खुद तो मर गया बेचारा, मरा है या बेहोश हुआ मैं नहीं जानता। हम अपने रास्ते में निकले, हम हैं गैंगस्टर ऑफ द सिटी लॉस सैंटोस के, हम हैं गैंगस्टर। मरता मरे हम क्या करें, बस माउंट चिलियार वाला रास्ता आ ही गया है। 3 किलोमीटर इधर से हमें दिखा रहा है माउंट चिलियार का। हुकीज आने वाला है, ये भी इतना का हाईवे ही है। पर इधर भगाऊंगा नहीं, पीछे आपको पता है कैसा हमारा एक्सीडेंट हुआ। आगे से यू टर्न दिखा रहा है, यू टर्न लेने के साथ फिर ऑफ रोडिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी। पिछला ब्लॉग आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में दे दूंगा, तो उधर से आप देख लेगा या चैनल को जाके सब्सक्राइब भी कर देगा और देख भी लेगा।
मुझे ये नहीं समझ आती लोग साइड पे क्यों लाट जाते हैं, उधर अपनी सिटी है तो अब ऑफ रोडिंग पहाड़ी इलाका आ गया ना, इधर तो ना तो उधर सिटी पे भी लोग हाईवे पे हम जा रहे हो ना, जीटी रोड जैसे का हो गया, तो उधर ऐसे ही खड़ी होती है, मुझे समझ नहीं आती। ये मेरे पड़ी है 85 करोड़ की पड़ी है, पाकिस्तानी करेंसी बता रहा हूँ, 85 करोड़, तो 85 करोड़ की पड़ी है। और बारिश भी शुरू हो गई, ऊपर से हम माउंट चिली आर आ गए हैं, चलें देखते हैं रास्ते में और तेज़ होगी तो इधर से ही वापस यू टर्न हो जाएंगे। ऑफ रोडिंग के मामले में भी A1, अभी ऊपर थोड़ा पहाड़ी इलाका आएगा फिर मैं आपको बताऊंगा कैसी है। ये चट्टानों वाली साइड आई है इधर, अब हमें इसका प्रॉपर रिजल्ट पता चलेगा। काफ़ी अच्छी कंट्रोल हो रही है ऑफ रोडिंग के मामले में भी, इसको मैं 10/10 दूंगा। ऊपर से बारिश और तेज़ हो रही है, अब क्या करें, इतनी दूर आए हैं, 6 किलोमीटर का सफ़र तय करके आए हैं, तो अब पूरा माउंट चिली आर से हो गई जाए, खैर बारिश होती हो, अगर तो तूफान तूफान आया तो फिर मैं इधर से यू टर्न ले लूँगा, पर अभी कुछ ऐसा सीन नहीं, अभी सिर्फ नॉर्मली बारिश हो रही है, वो वाला सीन नहीं है कि हमें इधर से वापस जाना चाहिए। गाड़ी घोड़ी स्लिप होने का खदशा भी नहीं है क्योंकि अभी तो सिर्फ बारिश स्टार्ट हुई है। हाँ अगर पानी भरता है तो फिर मुश्किल हो जाएगी, फिर हम देखेंगे, थोड़ा सा एक साइड पे वेट कर लें कैंप वैम्प लगा के। काफ़ी अच्छे चट्टानों पे भी सही चढ़ जाती है, काफ़ी अच्छी इजीली चढ़ जाती है चट्टानों पे। पानी खड़ा होना शुरू हो गया साइड पे, आप देख सकते हैं पानी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पर फिर क्या अब इतनी दूर आए हैं, इतना ऊपर चढ़ के आए और वापस चले गए, नो ये हमें गुवारा नहीं करता। थोड़ा सी बस रास्ता रहता है। ओ शिट मैन, बापरे 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 बापरे, अरे ये क्या हुआ, व्हाट्स अप गाइस, व्हाट हैपिंग नाउ। ऊपर चढ़ाने पड़ेगी अब, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, पर अपनी SUV तो SUV है ना, फिर चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई, बस रोड आ जाए रोड आ जाए रोड आ जाए, रोड नजर नहीं आ रही, बारिश की वजह से ना, बारिश ने काम खराब कर दिया। मुझे याद नहीं रहा घर से निकलने से पहले मौसम देख लेता तो हम कोई और काम कर लेते, मैंने ना मौसम नहीं देखा, मैं बस SUV ले कर निकल गया। चलो अब आ ही गए हैं तो अब फायदे अब पूरे मज़े लेके जाए। रोड दिखा रहा है एक तो ना, ये माउंट चिली आर की रोड से पता नहीं चलती रोड है या क्या है, मिक्सअप है सारा। अब थोड़ी सी ये वाली ऑफ रोडिंग जो प्रोफेशनल ऑफ रोडिंग होती है वो स्टार्ट हो गई है, अब ज़रा मुश्किल है मेरे लिए इधर से लेके जाना, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगा। ऊपर से बारिश भी हो रही है इसलिए मैं इसको उधर इतना तेज़ नहीं चलाऊँगा कि फिसल के चट्टान वाली साइड पे जाए, बारिश बहुत तेज़ हो गई है, देखिए इधर बारिश काफ़ी ज़्यादा पानी चट्टान यहाँ से बिल्कुल स्लोली स्लोली, क्योंकि बारिश का खच्चा ज़्यादा हो गया है। वापस नहीं मैं जाऊँगा, मैं पूरी ऑफ रोडिंग करके जाऊँगा, आज आ ही गए हैं तो ऑफ रोडिंग करके जाएंगे फिर, तो बस थोड़ा थोड़ा स्लो, बस ये ध्यान रखना है कि बारिश ज़्यादा खच्चा ना हो। बेटा बारिश हो रही है बाजू में, हिरन टोगी है सॉरी हिरन मैं कह रहा हूँ उसे, टोगी बेटा बाजू बारिश,
ना बारिश अब सही वाली तेज हो गई, आप देख सकते हैं रोड भी हमारी गीली हो चुकी हैं, और जब ऑफ रोडिंग करनी है तो ऑफ रोडिंग करनी है। ये थोड़ी खतरनाक रोड है, बिल्कुल पतली सी रोड है, इसके बीच में हमें चलानी है। अभी भी 1 किलोमीटर हमें माउंट चिलियार का दिखा रहा है 1 किलोमीटर, पर फिर भी हम पहुंच जाएंगे। बारिश आप देख सकते हैं कैसी तेज़ हो रही है। माउंट चिलियार, वी आर गोइंग टू माउंट चिलियार, वी आर गोइंग टू माउंट चिलियार, वी आर गोइंग टू माउंट चिलियार। बाकी अपना बस रास्ता आगे से टर्न लेके ऊपर वाला साइड आ जाती है, मैं लगता है बारिश तो काफ़ी तेज़ हो गई, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मैं कहता हूँ मक्खन जैसी कंट्रोल हो रही है। अब ऊपर चढ़ानी है, इधर शायद थोड़ी मुश्किल हो, पर SUV में लगता है चढ़ जाएगी, क्योंकि ना SUV के लिए कोई चट्टान कोई पहाड़ नहीं मुश्किल। बिल्कुल स्ट्रेट पहाड़ पे आप स्पोर्ट्स कार चलाएंगे ना वो नहीं चढ़ेगी, ये चढ़ देगी, इसकी यही तो ख़ास बात होती है। अच्छा एक और बात मैंने आपसे करनी थी, इधर लॉस सैंटोस में स्पोर्ट्स कार की एग्जीबिशन लगने लगी है, जिसमें 4 से 5 स्पोर्ट्स कार होंगी, तो उनमें मुझे स्पोर्ट्स कार काफ़ी अच्छी लगती है, मैं उनमें से एक लूँगा। तो देखते हैं जब एग्जीबिशन लगेगी फिर लेंगे हम इंशाल्लाह एक स्पोर्ट्स कार। बस 96 माइल रह गया है हमारा माउंट चिलियार का रास्ता, अब थोड़ा खतरनाक रास्ता आ गया ही, और हिरन बेटा मार जाओगे पीछे जो। यार मैं हिरन क्यों कह जा रहा हूँ, ये डॉगी है, मर जाओगे। चटान ओहो, रुक जा, मट्टो मट्टी हो गई इसको, मेरे लगता है वॉश करवाना पड़ेगा, तो ना इसकी हालत आप देख सकते हैं, चटान तो ऊपर नहीं चाड़ी। चढ़ा दी मैंने फिर चटान, चढ़ेगी साइड रोड पे चढ़ाने पड़ेगी मुझे, काफी गंदी हो गई है हमारी SUV, आज ही ली यार, आज ही गंदी कर दी। गंदी होनी नहीं थी इसने, बस ये बारिश की वजह से हो चुकी है, क्योंकि बारिश आपको पता है ये वैसे भी ऑफ रोडिंग वाली साइड पे मिट्टी जी हाँ, मैं आज मेरी डेथ है। रुक जाए SUV, अस कंट्रोल नहीं हो पा रही SUV, इधर चट्टान है ना सारी। रुक जा, ऊपर चढ़ा दी बस, ऊपर चढ़ जाएगी इंशाल्लाह ताला, चढ़ गई बस, रोक दो इधर, SUV आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है ऑफ रोडिंग के मामले में, बारिश ने ऊपर से हमारा काम ख़राब कर दिया है, इसको मुश्किल हो गया कंट्रोल करना, पर फिर भी मैं पूरी अपनी कोशिश करूँगा इसको कंट्रोल करने। बस रोड आई, चला दो SUV पर, पूरा जोर रखा हुआ मैंने। SUV ऊपर चढ़ने का नाम नहीं ले रही, किधर पीछे जा रही है, सीधा नीचे जाएगी SUV, हम मर गए। SUV की क्या हालत हुई, ब्रेक के मैंने पूरा ब्रेक पे बटन रखा है, पर SUV की पूरी हालत हो गई है खच। गाइस मैं ब्लॉग इधर ही एंड कर रहा हूँ, सीधा मैं आपको अपने घर मिलूंगा, क्योंकि बारिश हो गई है ऊपर से, आप देख सकते हैं
हमारी एसयूवी की क्या हालत हुई है, इसको हम पूरा ठीक ठुक करवा के मॉडिफाइड करवा के फिर माउंट चिलियार आएंगे जब मौसम थोड़ा बेहतर होगा, बारिश हो गई है और आपको पता है वैसे ऑफ रोडिंग रोड्स इतनी मिट्टी से बनी होती हैं तो पानी की वजह से सारी गाड़ी मेरी ख़राब हो गई और इतनी ऊपर से हम कोई उधर से गिरे हैं, वो ऊपर से गिरे हैं और इधर तक आए हैं, सारे चारों दरवाजे चारों शीशे पीछे से इसका बोनट एवरी थिंग इसकी उतर गई है। ठीक है, तो अब मैं सीधा आपसे घर मिलता हूँ, घर का मार्क लगा लेता हूँ। ये देखें, ये हमारा रास्ता रह गया था पर बारिश ने ना काम ख़राब कर दिया है। घर 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 अपना घर 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 ये घर मैं सीधा मिलूंगा आपको इधर। ठीक है, तो गाइस फाइनली घर हम आ गए हैं, बड़ी मुश्किल से चला के लाए हैं इसको, रोड्स भी काफ़ी गीली हुई पड़ी हैं। तो जब ओए मामा जी कितने, तो हालत काफ़ी ख़राब हो गई है, मैं बैनी को फ़ोन कर देखता हूँ और वो घर आ जाए तो ठीक है, वरना तो फिर कल ही रिपेयर होगी और मैं एक बार बैनी से बात कर लेता हूँ। फाइनली भाई काफ़ी देर बाद बारिश रुक गई है, अपने आप देख सकते हैं सूरज निकल गया है और अपना बैनी को हमने फ़ोन किया था तो बैनी आ गया था बारिश रुकने के बाद और सारी गाड़ी हमारी रिपेयर कर दिया है और इसमें मेरा इसको मैं उधर लार देता हूँ। ठीक है, अब इसको हम आज नहीं माउंट चिलियार लेके जाएंगे, माउंट चिलियार तो वैसे ही पूरा गीला कूला हुआ होगा, अब आज नहीं हम लेके जाएंगे, फिर किसी और ब्लॉक में लेके जाएंगे जब इसकी मॉडिफाई कराएंगे, तो ताकि जब ये चट्टानों से गिरे तो इसका कुछ ना हो, इसलिए फिर अभी इसको हम इधर हिलार देते हैं और अपनी लैम्बोर्गिनी को एक बार हम देख लेते हैं और उसके बाद फिर ब्लॉग एंड करते हैं। एक बार लैम्बोर्गिनी को मैं साउंड आपको उसकी सुना दूं, लैम्बोर्गिनी के एक बार साउंड सुना देता हूं आपको मैं। ठीक है, लैम्बोर्गिनी इसकी साउंड में आपको सुना देता हूँ। ये साउंड है इसका, तो ये साउंड है इसका। तो ठीक है, फिर स्पोर्ट्स एग्जीबिशन में जब मैं लूँगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करें, चैनल पर न्यूज़ चैनल जाकर सब्सक्राइब करें और पिछला ब्लॉग नहीं देखा तो पिछला ब्लॉग भी देख लिएगा, हमने उसमें लैम्बोर्गिनी हमें कैसे मिली और हम कहाँ कहाँ गए तो पिछला ब्लॉग लाजमी देख लिया। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करें, चैनल न्यूज़ चैनल जाकर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं आपसे अगली में, गुड एज ऑल बेस्ट, पीके रास्तों पर नहीं पढ़ना भी का, बाय।